मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कार्डिंग मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं। कार्डिंग मशीन जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है और उसमें मेजर पार्ट्स क्या क्या चीज़ होता है और वो पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सब चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा है। और सबसे पहले देखिए, जो कार्डिंग मशीन होता है स्पिनिंग प्रोसेस में ब्लोरूम के बाद आता है कार्डिंग मशीन, और इसको हार्ट ऑफ स्पिनिंग बोलते हैं, क्योंकि उसमें सारी जो कटन का अंदर जितना गंदगी होता है, जितना मतलब इम्प्योरिटीज होता है, सब क्लियर हो जाता है। वो हार्ट जैसा काम करता है, फिल्टर जैसा काम करता है, जैसे अपना शरीर में हार्ट काम करता है, ऐसे ही कार्डिंग मशीन भी स्पिनिंग इंडस्ट्री में हार्ट ऑफ स्पिनिंग बोलते हैं। और कार्डिंग मशीन के बारे में आपको पूरा जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट्स ऑफ कार्डिंग मशीन। कार्डिंग मशीन का क्या ऑब्जेक्ट है, मतलब उसका काम क्या है, मतलब उसका मकसद क्या है कार्डिंग मशीन रखने का। सबसे पहले देखिए, टू सेपरेट द मटेरियल्स इनटू सिंगल फाइबर स्ट्रेच। जो कार्डिंग मशीन में जो लैब फीडिंग हो या बैट फीडिंग हो, जो मटेरियल पूरा एक थिकनेस ऐसे 450 से 550 ग्राम पर मीटर का जो थिकनेस का आता है मटेरियल, वो कार्डिंग मशीन का अंदर जो प्रोसेस होता है उसका अल्टीमेट अपना एम होता है, जितना फाइबर एक दूसरे से कोहेसिवनेस में मतलब चिपक के रहता है, इसको अलग करेगा। पूरा सिंगल सिंगल इंडिविजुअल स्टेज में वो सिंगल फाइबर स्टेज में आपको वो खुलेगा, मतलब ओपन करेगा। उसके बाद देखो, फर्दर क्लीनिंग रिमूव नेप्स एंड मोट्स। उसके बाद कार्डिंग मशीन का दूसरा काम है, उसे बहुत बढ़िया से क्लीनिंग करेगा, उसका अंदर जो ट्रास होगा, मतलब जितना इम्प्योरिटीज होगा, जितना सीड होगा, लिप्स होगा, डेम होगा और सीड कोट होगा, वो सब वो निकाल देगा। और उसके बाद नेप्स के बारे में आपको पहले भी कई बार समझाया गया, हर वीडियो में नेप्स का चर्चा होता है। नेप्स भी निकालेगा और मोट्स मतलब बड़े बड़े जो ये रहता है, सीड रहता है, सीड कट रहता है, डैम्प रहता है, ये सारी निकालेगा। उसके बाद देखो, टू गिव सम डिग्री ऑफ ब्लेंडिंग्स। ब्लेंडिंग मतलब जो है फाइबर, समझ लो आपके तीन चार वैरायटी का है, वो जब कार्डिंग मशीन का थ्रू पास करेगा और कार्डिंग में फ्लैट के अंदर जो कार्डिंग एक्शन होगा, उसके बाद वो सिलेंडर के ऊपर जैसे मूवमेंट लेगा, उसके बाद उसमें एक प्रकार की ब्लेंडिंग हो जाएगा, मतलब मिक्सचर हो जाएगा, मतलब अच्छा मिक्सअप हो जाएगा फाइबर टू फाइबर। जो जैसे समझ लो तीन चार वैरायटी का कटन डाले हो, जब कार्डिंग मशीन हो के जाएगा, पूरा यूनिफॉर्म मिक्सचर हो के वो आगे स्लाइबर में निकलेगा, बढ़िया ब्लेंडिंग हो जाता है। टू रिमूव शॉर्ट फाइबर्स व्हिच अफेक्ट स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ यार्न। और कार्डिंग मशीन का और एक मेन एम है शॉर्ट फाइबर निकालेगा। शॉर्ट फाइबर के बारे में आपको मैंने ऑफिस में बताया, एसबीआई में बताया। शॉर्ट फाइबर होता है जो कटन फाइबर का आधा इंच से कम वाला जो फाइबर का लेंथ होता है, मतलब 12-12.5 एमएम से जो कम वाला रहता है, इसको शॉर्ट फाइबर बोलते हैं। और शॉर्ट फाइबर स्पिनिंग के लिए जहर जैसा है, वो मतलब नेप्स भी बढ़ाएगा और यार्न स्ट्रेंथ घटाएगा, और वो अगर ज़्यादा रहेगा मतलब आईपीआई वगैरह भी बढ़ जाता है, जो इम्परफेक्शन का जो लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है, कुल मिला के क्वालिटी ख़राब करता है अगर शॉर्ट फाइबर परसेंटेज ज़्यादा रहता है। तो कार्डिंग में वो रिमूव करा देते हैं। कन्वर्ट लैप और बैट ऑफ फाइबर इंटू ए थिक अनट्विस्टेड रोप लाइक मटेरियल कॉल्ड स्लाइबर। तो इसमें क्या होता है, ये कार्डिंग मशीन से प्रोसेस होने के बाद एक रस्सी टाइप का, ऐसे ही रस्सी टाइप का एक मटेरियल बनेगा, अनट्विस्टेड रोप मतलब रस्सी टाइप का, बिना ट्विस्ट का रोप जैसा बनेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसका प्रोडक्ट होता है स्लाइबर, जो निकलता है इसको स्लाइबर ही बोलते हैं, मतलब कटन से अपना स्लाइबर स्टेज में आ गया। डिलीवरी ऑफ स्लाइबर इनटू ए सिलेंड्रिकल कैन फॉर नेक्स्ट पैसेज। जो कैन होता है, सिलेंड्रिकल कैन रहता है, ड्रम जिसको बोलते हैं अपन हिंदी में, वो ड्रम के अंदर कैलिंग होकर ऐसे ऐसे करके सिस्टमेटिक उसमें भर के रखेंगे, और वो जो डिलीवरी स्लाइबर, और इसको अगला प्रोसेस के लिए हमको फायदा होगा, इसीलिए अपन ड्रम के अंदर भरते हैं।
उसके बाद देखो पैसेज ऑफ कटन, कटन कटिंग मशीन का पैसेज मतलब किसका किसका थ्रू होके जाता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक देखो छूट पाइपलाइन, जो कार्डिंग का जो पाइपलाइन होता है छूट फीड होता है उसका अंदर से आएगा। अगर लैब फीड है तो आपके डायरेक्ट ब्लोरूम से लैब बन के फीड रोल के ऊपर लग जाएगा। लैब फीड है और छूट फीड है तो छूट फीड लाइन पाइपलाइन में आएगा। उसके बाद ओपनिंग रोलर रहेगा, उसमें भी मतलब ओपनिंग होगा, मतलब एयर पॉइंट रहता है उसमें बढ़िया से ओपनिंग हो जाएगा। उसके बाद फीड रोलर प्लेट, फीड रोलर का एक स्टेनलेस स्टील का प्लेट रहता है जिसका ऊपर फीड रोलर रहता है, उसका बीच में उसका कार्डिंग का बैट पास करता है। उसके बाद फीड रोलर एक स्टील रोलर रहता है ग्रुप वाला, ऊपर नीचे रहता है स्टील का रोल रहता है, वो ग्रुप का अंदर प्रेस होके मटेरियल जाता है, इसको फीड रोल बोलते हैं। उसके बाद लिक्रिन, लिक्रिन रोलर रहता है ओपनिंग करने के लिए और हैवी ट्रस गिराएगा। और सिलेंडर फ्लट, सिलेंडर फ्लट का ये काम है ओपनिंग करेगा, वो ट्रस निकालेगा, शर्ट फाइबर निकालेगा। और इसमें मेन कार्डिंग एक्शन सिलेंडर और फ्लट के बीच में होता है। उसके बाद देखो डफर, डफर जो सिलेंडर के प्रोसेस होने के बाद, सिलेंडर फ्लट प्रोसेस होने के बाद डफर आगे इसको स्ट्रिपिंग करके लेता है, फिर क्रॉस रोल इसको कंपैक्ट करता है। उसके बाद टेबल कैलेंडर रोल, मतलब जो क्रॉस रोल के बाद जो वेब निकलता है टेबल कैलेंडर रोल में ट्रम्पेट के थ्रू पास होता है। उसके बाद कॉयलर कैलेंडर रोल, कॉयलर कैलेंडर रोल के ऊपर ऐसे जाके डालते हैं, फिर कैन के अंदर जाता है, कॉयलिंग एंड कैन। ये हो गया कार्डिंग मशीन का टोटल ऑब्जेक्टिव्स। हम अभी आगे देखेंगे हर चीज़ का, हर जो पैसेज का लिखे ना ये सबका क्या क्या फंक्शन है उसका बारे में बताएंगे। नेक्स्ट देखिए अपन कार्डिंग मशीन के बारे में बता रहे हैं जिसमें लैब फिट रहता है, जैसे ब्लो रूम में लैब बनता है स्कचर में और लैब ला के कार्डिंग में यूज करते हैं। उस केस में लैब रोलर एक रहता है, इफ लैब फिट, लैब फिट है तो लैब रोलर रहेगा। और उसमें देखिए लैब रोलर का क्या है, इट इज ए फ्लूटेड वुडन रोलर हैविंग 6 इंच डाया द कटन फ्रॉम द स्कचर, स्कल्पचर इन द फॉर्म ऑफ लैप इज प्लेस्ड ऑन दिस लैप रोलर व्हिच इज ड्रिवन फ्रॉम फीड रोलर बाय चेन एंड स्प्रोकेट। इसका मतलब ये होता है अगर आपकी स्कल्पचर से लैप बनता है, लैप ला के फीड रोल के ऊपर रखते हैं, वो फीड रोल जो होता है लकड़ी का होता है, वो लगभग 6 इंच डाया का रहता है और उसका अंदर ऐसे ऐसे ग्रुप रहता है, मतलब उसमें कटा हुआ जैसे रहता है, ग्रुप रहता है। और वो ग्रुप का ऊपर क्या, ग्रुप इसीलिए रहता है ग्रिपेज लेके वो घुमाता है लैप को, लैप को अनवाइंड करके आगे भेजता है। और जो फीड रोल, ये लैप रोल होता है उसका मोशन अपन फीड रोल से मिलता है, फीड रोल से चेन का माध्यम से और चेन व्हील का माध्यम से इसको मोशन मिलता है, बिल्कुल स्लो स्लो घूमता है जितने का आपको ज़रूरत है। तो वो वुडन का ही रहता है, आप ध्यान रखिए। उसके बाद देखो फीड प्लेट, फीड प्लेट जो होता है क्या होता है, मतलब लैप रोल और फीड रोल के बीच में एक रहता है स्टेनलेस स्टील का एक फीड प्लेट रहता है, पूरा वो कार्डिंग मशीन का विड्थ पूरा कवर करता है। और उसका आगे नोज रहता है, जैसे फीड प्लेट आपको बता दूँ ऐसे हुआ ना, फीड प्लेट समझ लो, ये हो गया समझ लो फीड रोल, ये हो गया फीड प्लेट, ठीक है, यहाँ रह गया लैप रोल, लैप यहाँ ऑनवाइंड होके इसका ऊपर होके ऐसे होके जाएगा, आगे जाएगा। तो फीड प्लेट रहता है स्टेनलेस स्टील का, इसको हमेशा अपन इसमें बढ़िया से पाउडर डाल के साफ करते हैं, क्योंकि उसमें कटन में जो नेचुरल वैक्स वगैरह रहता है वो चिपक जाता है। और फीड प्लेट जितना सफाई रखेगा उतना आपकी कार्डिंग मशीन स्मूथ चलेगा और रैपिंग वेरिएशन वगैरह नहीं आएगा, मटेरियल चिपकेगा नहीं। और ये और क्या करता है, तो इट हेल्प्स टू कैरी द अनकंट्रोल्ड लैप, ये क्या करता है जो लैप जो अनकंट्रोल होता है, मतलब इधर उधर गिर ना जाए, मतलब फट के गिर ना जाए, उसके लिए वो कंट्रोल करके आगे देता है। एट द फ्रंट एंड ऑफ दिस प्लेट देयर इज ए नोज, ये जो बता ये इसको नोज बोलते हैं, ये नोज मतलब नाक जैसा रहता है, नोज है,
और नोज व्हिच हेल्प्स टू ग्रिप द कॉटन फाइबर्स। ये जो है नोज रहता है वो फेडरल होता है, वो इसका अंदर ग्रिप लेने के लिए नोज रहता है। तो ये ग्रिप दे के फेडरल के फेडरल दबा देगा, नोज के ऊपर फेडरल होता है वो खींच के ले लेता है। उसके बाद देखो फीड रोलर, फीड रोलर क्या होता है, इट इज ए फ्रूटेड मेटालिक रोलर फॉर हेल्पिंग फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द अनकंट्रोल्ड एंड ग्रिपिंग फाइबर। ये जो फीड रोल आपको बताया वो फीड प्लेट का जो नोज है उसकी जस्ट ऊपर ही रहता है, और उसमें क्या होता है मतलब मटेरियल वैसे ग्रिप होके जाता है और वो बढ़िया से कंट्रोल करके लेता है, ग्रिपेज भी देता है कंट्रोल भी करता है। सो इट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द फीड प्लेट नोज, फीड प्लेट नोज के पास ही रहता है, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा गैप रहता है ताकि वो स्मूथ मतलब मूवमेंट कराएगा, मटेरियल आगे दे सकता है। नेक्स्ट देखिए अपन कार्डिंग मशीन का बारे में बता रहे हैं। उसके बाद आया लिक्रिन, लिक्रिन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसका ऑब्जेक्ट देखो क्या है, टू रिसीव द कटन फ्रॉम द फीड प्लेट एंड फीड रोलर। फीड रोलर और फीड प्लेट के बाद लिक्रिन रहता है, और उसका फंक्शन क्या क्या है देखो, टू रिड्यूस द थिकनेस ऑफ लैप। लैप जो थिकनेस रहता है, जैसे आपको पता था 450 से 550 तक ग्राम पर मीटर रहता है, उसका थिकनेस थोड़ा थोड़ा काट काट के लेगा, थिकनेस कम करेगा। टू क्लीन एंड ओपन द कॉटन, उसके बाद लिक्रिन क्या करता है इसको मतलब पूरा ओपन करता है, रोलर टाइप का रहता है उसमें कांटा कांटा रहता है, उसको नोच नोच के इसको पूरा ओपन करता है कॉटन को। उसके बाद टू फीड इम्प्रूव्ड कॉटन टू द सिलेंडर एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉटन इवनली एज मच एज पॉसिबल। वो जो फीड रोल की और फीड प्लेट की आगे जो लिक्रिन लेता है वो कॉटन नोच नोच के लेगा, उसका थिकनेस कम करेगा, ओपनिंग करेगा, और प्रॉपरली इवनली पूरा जो विड्थ का ऊपर पूरा मटेरियल फीड करेगा सिलेंडर को, इवनली पूरा सिलेंडर का विड्थ समझ लो 1 मीटर है या 1.5 मीटर है, पूरे विड्थ में मटेरियल फीड करेगा थोड़ा थोड़ा ओपन करके। उसके बाद देखो इट इज ए सिलेंड्रिकल हॉलो रोलर, ये लोहे का एक हॉलो रोलर है, लगभग देखो ये रोलर इस टाइप का रहता है और ये 9 इंच का डाया रहता है लगभग, और इसका ऊपर कांटा कांटा रहता है पूरा, ऐसे ऐसे कांटा पूरा शरीर में कांटा कांटा रहता है, शॉर्ट टूथ का कांटा जैसा। वो क्या करता है, इट इज ए सिलेंड्रिकल हॉलो रोलर विथ सॉ लाइक मेटालिक सरफेस, मतलब मेटालिक सरफेस है, दांत जैसा रहता है, शॉर्ट टूथ जैसा रहता है। दो मोट नाइफ लिक्रिन का नीचे लगा जाता है। मोट नाइफ क्या होता है, वो जितना क्लोज करोगे ज़्यादा वेस्ट गिराएगा, जितना वाइड रखोगे वेस्ट कम गिराएगा। दो मोट नाइफ इसका नीचे फिट करते हैं ताकि जितना वेस्ट है वो सब गिर जाएगा, और वो आर अंडर इट टू कैच ऑल मोट्स, सारी कचरा वो पकड़ेगा, एंड शॉर्ट फाइबर्स ऑल्सो, शॉर्ट फाइबर और वो मोट्स मतलब ट्रास सब पकड़ के गिरा देगा। अंडर केसिंग ऑल्सो फिटेड अंडर इट, इसका अंदर एक जाली जैसा रहता है, इसको अंडर केसिंग बोलते हैं। उसका काम है जो कचरा है वो जाली के अंदर से नीचे गिर जाएगा, जो अच्छा कटर है वो जाली का ऊपर से होके सिलेंडर तक चला जाएगा, इसका नीचे रहता है जाली, ठीक है, ये परपोरेटर जाली रहता है, यहाँ कचरा गिर जाएगा, अच्छा मटेरियल ऐसे सिलेंडर के पास चला जाएगा, वो अंडर केसिंग रहता है। क्लीन कॉटन विल नॉट ड्रॉप, ओनली ट्रास एंड शॉर्ट फाइबर्स ड्रॉप्स, इसका अंदर अंडर केसिंग के नीचे अच्छा कॉटन नहीं गिरेगा, खाली ट्रास रहेगा, कचरा रहेगा जो सारी गिरेगा, शॉर्ट फाइबर गिरेगा। और फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल इट्स स्पीड वैरी,
देखो ये हर टाइप का मटेरियल में स्पीड अलग अलग रहेगा। समझ लो कटन चलता है थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहेगा, क्यों उसमें अपन को कचरा निकालना पड़ता है। जैसे सिंथेटिक चला रहे हैं या कोई नाजुक फाइबर विस्कस वगैरह चला रहे तो उसमें थोड़ा कम स्पीड रहेगा चलेगा, तो स्पीड इसका भारी होता है और पुली चेंज करके अपन चेंज करते हैं। आफ्टर 180 टर्न टू 200 टर्न इट्स सॉ लाइक वेयर्स फ्रेश माउंटेड। ये जो सॉ लाइक जो दांत रहता है ना इसका शॉर्ट टीथ जैसा, वो सब 180 से 200 टन तक मटेरियल जैसे प्रोसेस हो जाएगा, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, नया वायर में इसको माउंटिंग कर देते हैं ताकि क्वालिटी ख़राब ना हो जाए। क्योंकि ये मशीन का सबसे पहला रोल है, इसमें ज़्यादा मतलब कचरा उसी में ज़्यादा क्लीन होता है तो ज़्यादा मार पड़ता है वायर से, इसीलिए वायर जल्दी ख़राब होता है। 180 से 200 टन तक जनरली अपन चेंज कर देते हैं। समझ लो अपन सिंथेटिक चला रहे या डायड कटन चला रहे उस केस में थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होकर वायर थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है। वो पॉलिस्टर या सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो थोड़ा हार्श रहता है, वायर भी जल्दी ख़राब करता है, कटर इतना जल्दी ख़राब नहीं करता। तो ये हो गया आपके लिक्रिन का, और मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्ति करता हूँ। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे सिलेंडर फ्लाट डफर और आगे जितना भी है डव मतलब क्रश रोल और सारी चीज़ मतलब कॉयलर कैलेंडर रोल कॉयलर सब इसका बारे में हम उसके अगला टॉपिक में पढ़ाएंगे। थैंक यू।